चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। स्कॉट्सडेल नाम के शहर में चूचू नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिल की अच्छी और बहुत दयालु थी, लेकिन वो इतनी लापरवाह थी कि अपने स्कूल की चीजें खोती रहती थी। इससे उसकी मम्मी को परेशानी होती और वो उसके लिए नई चीजें खरीदती। एक दिन सोमवार की सुबह उसकी मम्मी उस पर चिल्लाई, चूचू जरा मेरे पास अपना बैग लेकर आओ। हाँ मम्मी, ला रही हूँ। लो ये रहा। मुझे तो वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। उसकी मम्मी ने उसका पेंसिल बॉक्स निकाला और देखा कि वो खाली है। बहुत हो गया, अब इसने अपना बहुत सा सामान खो दिया है, ये खत्म होना चाहिए। अब चूचू को और ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। क्या तुमने अपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल मम्मी। बहुत अच्छे। अच्छा देखो बेटा, मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं बार बार तुम्हें स्कूल के लिए नया सामान लेकर देती रही, वो भी हर एक बार। अभी फिर से मैंने तुम्हें दो नई पेंसिल्स लेकर दी और साथ में एक शार्पनर भी। तो अब तुम इन सारी चीजों को पूरे हफ्ते संभाल कर रखोगी। अगर तुमने इन्हें खो दिया तो तुम्हें इस हफ्ते कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई ना? जी हाँ, मैं इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगी मम्मी। बढ़िया, तुम्हारी स्कूल बस कभी भी आती होगी। चलो चलते हैं। तो स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छे, चलो अब फल खा लो। फल? इयू। अगली बार मुझे ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए। क्या तुमने फल खा लिया है? हाँ। बढ़िया, क्या तुम्हारे पास स्कूल का सारा सामान है? चूचू अपनी मम्मी को बस देखती रही। मुझे याद नहीं आ रहा। जाओ जाकर अपना पेंसिल बॉक्स लाओ। चूचू अपने बैग में से अपना पेंसिल बॉक्स लाई और अपनी मम्मी को दे दिया। टॉयलेट जाना है, अभी आती हूँ। चूचू की मम्मी ने पेंसिल बॉक्स खोला और वो फिर से उसे खाली देखकर हैरान रह गईं। अब बहुत हो गया, इसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही होगा। चूचू हो गया क्या? बस हो गया मम्मी, आती हूँ। जल्दी करो, हमें शॉपिंग के लिए देर हो रही है। तरा, मैं आ गई। अपने जूते पहनो और कार में बैठ जाओ। चूचू ने अपने जूते पहने और कार में बैठ गई। चलो स्टोर पर चलते हैं और कुछ चीजें ले आते हैं। बिल्कुल मम्मी। क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? एक छोटी सी चॉकलेट और कुछ नहीं। ये, धन्यवाद। चूचू की मम्मी स्टोर पर रुकी। चूचू वहाँ घूम रही थी और अपनी चॉकलेट ढूंढ रही थी। उसकी मम्मी ने पेंसिल्स के कुछ पैकेट, कुछ शार्पनर्स और कुछ चॉकलेट्स ले ली। फिर उनकी कार एक छोटे से अनाथालय के पास रुकी। चलो चूचू। चूचू नीचे उतरी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर चलने लगी। बच्चों, मिसेस चार्ली हमसे मिलने के लिए आई हैं। चलो सब यहाँ आ जाओ। सारे बच्चे वहाँ जमा हो गए। हेलो प्यारे बच्चों। हेलो मिसेस चार्ली।
बच्चों, ये है मेरी बेटी चूचू। हेलो चूचू। ये तुम सब के साथ मिलकर खेलना चाहती है। ओह, कितनी प्यारी है ये। क्या तुम लोग इसे ड्रॉ करना सिखाओगे? हाँ मिसेस चार्ली। एक बच्चा भाग कर गया और पेपर और पेंसिल बॉक्स लेकर आया। चलो आओ चूचू, ड्रॉ करते हैं। बच्चों ने पेंसिल बॉक्स चूचू को दे दिया। चूचू ने उसे खोला और उसे एक छोटी सी पेंसिल मिली, साथ में टूटा हुआ इरेजर और एक टूटा हुआ शार्पनर। चूचू ने अपनी मम्मी को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे रो क्यों रही हो? चलो रोना बंद करो। चूचू चुपचाप अपनी मम्मी के पास आई और उनके कानों में कुछ कहा। चूचू की मॉम ने पेंसिल्स का पैकेट चूचू को दे दिया। चूचू, इन पेंसिल्स को यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हाँ बिल्कुल मम्मी। सारे बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने नई पेंसिल छीली और ड्रॉ करना शुरू कर दिया। घंटे बीत गए। चूचू, देर हो रही है, सबसे गले मिलो। मुझे पता है तुम इन्हें याद करोगी। चलो फिर किसी और दिन आएंगे यहाँ। ठीक है मम्मी। चूचू ने उन्हें गले लगा लिया। मैं जल्दी ही फिर मिलूंगी। चूचू काफी शांत थी। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? चूचू की आंखों में आंसू आ गए। उसने मम्मी से कहा, मम्मी वहाँ मेरे दोस्तों के पास सिर्फ एक ही पेंसिल थी, साथ में टूटा हुआ इरेजर और टूटा हुआ शार्पनर। हाँ यही था। और यहाँ मैं अपनी चीजें हर रोज गुम कर देती हूँ, हर एक दिन। मैं चीजों को लापरवाही से गुम करती रहती हूँ। मैंने इतनी सारी पेंसिल्स और शार्पनर्स गुम कर दिए हैं। अगर मैं ध्यान रखती तो मैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करती। मम्मी। हाँ बेटा। आज से मैं अपनी स्कूल की चीजें कभी गुम नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती पता चल गई है। मम्मी अब मैं जिम्मेदार हो जाऊंगी। बहुत अच्छे बेटा, मुझे खुशी है तुम्हें इसका एहसास है। मम्मी ने चूचू को प्यार से चूमा और उस दिन के बाद से चूचू ने कभी अपने स्कूल की चीजें गुम नहीं की। वो कोशिश करती थी कि हर हफ्ते अपने दोस्तों के पास जाकर खेले। उसके बाद चूचू और उसके दोस्त हमेशा खुश रहने लगे। ये कहानी है खूबसूरत शहर स्कॉट्सडेल की, जहाँ सुबह सूरज निकलते ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। उसी शहर के एक घर में चूचू नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्यारी चूचू सुबह उठ गई थी और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अचानक उसे रसोई से ऐसी भीनी खुशबू आई कि उसके मुंह में पानी आने लगा। उसकी माँ नाश्ता बना रही थी, जो जाने वाला था उसके लंच बॉक्स में। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। खुशबू अच्छी है, क्या है ये? ये है मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी, स्पाइसी चिकपी सैंडविच। क्या ये नाश्ते के लिए है? ये तुम्हारा लंच है। यम्मी। थैंक यू मम्मी। चूचू, तुम्हारी स्कूल बस किसी भी वक्त आती होगी, तो अब हमें चलना चाहिए। मैं तैयार हूँ, चलो चलें।
के पहिए घूमे गोल 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 गोल, बस के पहिए घूमे गोल 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 घूमे सारा दिन। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल, बस के पहिए घूमे गोल 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 घूमे सारा दिन। उसके पेट में चूहे कूदने लगे थे। अब उसे इंतजार था लंच की घंटी बजने का। क्या तुम थोड़ा सा स्पाइसी चिक्पी सैंडविच लेना चाहोगी जो मेरी मम्मी ने बनाया है? जरूर लूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चूचू ने लंच बॉक्स खोला तो देखा सैंडविच गायब था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता है किसी ने तुम्हारा सैंडविच खा लिया है और लंच बॉक्स को खाली छोड़ दिया। रो मत, हम इसका पता लगा लेंगे। चलो, तुम मेरा लंच खा सकती हो। फिर उन दोनों ने लंच खाया और वो सेब भी जो चूचू लेकर आई थी। फिर दोनों क्लास में चली गईं। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। चलो चूचू, सोने का टाइम हो गया। अगले दिन मेरे साथ लंच कर लो। लगता है कोई जानकर तुम्हारे साथ ये मजाक कर रहा है। हमें इस चीज को खत्म करना ही होगा। पर हम ये कैसे करेंगे चीकू? हम दोनों ही खा सकते हैं तेज मिर्च वाला खाना। अपनी मॉम को कहना कि कल सैंडविच में और मिर्च डाल दें। मुझे विश्वास है कोई उसे नहीं खा पाएगा और वो नहीं खा पाएगा तेज मिर्च वाला सैंडविच। बात तो काम की है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। मम्मी, क्या आप मेरे लिए दो सैंडविचेस बना सकती हैं और उनमें तेज मिर्च डाल सकती हैं? जरूर बेटा। जरा ध्यान से, मिर्च काफी तेज हो सकती है। बाय बाय मम्मी, लव यू। बाय बाय, लव यू टू। Thank you.
चूचू और चीकू ने जल्दी से जाकर देखा। हैरी भागता जा रहा था बॉयज टॉयलेट की तरफ। फिर वो दोनों गई लॉकर तक और उन्हें मिला आधा खाया हुआ सैंडविच। हाँ? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। उस दिन के बाद से चूचू का लंच कोई नहीं चुराता था और वो उसे बांटती थी चीकू के साथ। एक शांत से शहर स्कॉट्सडेल में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चाचा। चाचा की एक दिक्कत थी, वो कुछ ज्यादा ही टीवी देखता था। उसे इसकी लत लग गई थी और इस बात से उसकी मम्मी काफी परेशान थी। चाचा, तुम कुछ ज्यादा ही टीवी देखते रहते हो। खड़े हो जाओ और थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। देखो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मॉम, देखने दीजिए मुझे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बात समझ भी आई है। ठीक कहा ना? टीवी को अभी बंद करो, मैं फिर से नहीं बोलने वाली तुम्हें। पर इस टीवी को अभी बंद करो। तुम कोई सजा तो नहीं चाहते ना? ठीक है, मुझे डांटना बंद कीजिए। लीजिए, बंद कर दिया। खुश है? बढ़िया बेटा, हर चीज का समय होता है और हर चीज की लिमिट भी। अब अपने जूते पहनो और बाहर खेलने जाओ। ठीक है। चाचा ने अपनी वीडियो गेम ली और अपनी जेब में डाल ली और फिर अपने जूते पहनकर बाहर चला गया। मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊँगा। आराम से जाना बेटा। जब चाचा के पापा काम से वापस आ रहे थे, उन्होंने चाचा को एक पेड़ के नीचे बैठकर वीडियो गेम खेलते देखा। हे सुनो, मैं घर आ गया हूँ। आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पता है, आज मैंने रास्ते में चाचा को देखा। हाँ, मैंने ही आज उसे बाहर भेजा है ताकि वो कुछ एक्सरसाइज कर सके। पर वो तो ऐसा नहीं कर रहा था। मैंने तो उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर वीडियो गेम खेलते हुए देखा। अरे नहीं, मुझे अब अपने बच्चे की काफी चिंता होने लगी है। मुझे भी। मैंने कोशिश की कि वो मेरे साथ बॉल खेले। मैंने कोशिश की कि वो साइकिल चलाए, लेकिन लगता है ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो उसे टीवी और वीडियो गेम से दूर कर सके। जब मम्मी पापा बात कर रहे थे तो उन्हें पास में से ही चिल्लाने की आवाज आई। चाचा की मम्मी ने खिड़की से झांक कर देखा और देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चाचा बाहर खड़े होकर उन्हें खेलते हुए देख रहा है। तुम क्या देख रही हो? लगता है हमारे पड़ोस में चार नए बच्चे आए हैं। देखो वो उन्हें कैसे खेलते देख रहा है। हो सकता है इस तरीके से ये उनका दोस्त बन जाए और बाहर खेले। चलो देखते हैं कि क्या होता है। चाचा वहाँ खड़ा बच्चों को बास्केटबॉल और सॉकर खेलते हुए देख रहा था। बच्चों को काफी मजा आ रहा था। चाचा भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन चाचा ने ये गेम्स पहले कभी नहीं खेली थी तो उसे पता नहीं था कैसे खेलते हैं। हर रोज चाचा खड़ा होकर बच्चों को खेलते हुए देखता। फिर एक दिन उन बच्चों ने देखा कि चाचा उन्हें खेलते हुए देख रहा है। वो चाचा के पास आए और अपने बारे में बताया, और फिर चाचा ने भी अपने बारे में बताया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा चाचा, क्या हमारे साथ खेलोगे? हाँ, लेकिन मुझे तो ये गेम्स नहीं आती, मैंने ये कभी नहीं खेली। कोई बात नहीं, हमारे साथ आओ, हम आपको सिखाएंगे कैसे खेलते हैं। ठीक है।
चाचा भी बच्चों के साथ खेलने लग गया और उसने गेम्स सीख ली। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गेम्स में इतना मजा आता है। मुझे इतना मजा कभी भी नहीं आया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आ, कोई बात नहीं, वैसे हमें भी चाचा के साथ खेलने में बहुत मजा आया। उस दिन से चाचा की टीवी और वीडियो गेम की लत खत्म हो गई और वो हर रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने लगा। स्कॉट्सडेल शहर के बाहर ये एक शांत सा शहर था। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया स्कूल और अच्छा सा पार्क था। चूचू नाम की एक छोटी सी लड़की अपने छोटे भाई चाचा के साथ इस जगह पर रहती थी। पड़ोस में चीकू नाम की एक लड़की रहती थी जिसका भाई था चीका। ये सब लोग एक ही स्कूल में जाते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल के बाद इन्हें पड़ोस के पार्क में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते हुए इन्होंने एक पेड़ के नीचे सोए हुए आदमी को देखा। ये आदमी जब भी देखो सोता ही रहता है। ओह हाँ, मैंने भी ये देखा है। क्या हम पता लगाएं कि कहीं ये बीमार तो नहीं और इसे मदद चाहिए? नहीं, हमें अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मदद कर सकते हैं। घर वापस जाकर हम मॉम को बताएंगे और इसकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही करेंगे। फिर चूचू, चाचा, चीकू और चीका ने खेलना शुरू कर दिया। मुझे इन बच्चों से छुटकारा चाहिए। ये मेरी नींद खराब कर रहे हैं। कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोबारा यहाँ ना आए। आसपास देखने पर उस आदमी को कुछ पेंट के डिब्बे नजर आए। मम्मा, वहाँ पार्क में एक आदमी है जो हमेशा सोता रहता है। हमें डर है कि कहीं वो बीमार तो नहीं। हम आपको बताना चाहते थे ताकि उसकी मदद करें। बहुत अच्छे, देखते हैं क्या करना है। चूचू की मॉम ने मेयर के ऑफिस फोन किया और ये बात बताई। मेयर के ऑफिस ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो इस बारे में कुछ करेंगे। मेयर साहब पार्क गए और वहाँ एक कम्युनिटी नोटिस लगा दिया, बेघर आदमी। फिर मेयर पार्क से चले गए और उस आदमी ने पेड़ पर एक राक्षस पेंट करना शुरू किया। हफ्ता खत्म होने वाला था। बच्चे पार्क में गए खेलने के लिए। चूचू की मम्मी हाथ में किताब लिए पार्क के बेंच पर बैठ गई। मम्मी, मम्मी। अचानक से चूचू की मम्मी ने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे क्या हो गया, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो और कांप क्यों रहे हो? बच्चों ने अपनी उंगली से उस पेंटिंग की तरफ इशारा किया। उनकी नजर भी पेंटिंग पर पड़ी और उन्होंने बच्चों को जोर से पकड़ लिया। बच्चों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने बच्चों को कुछ खिलौने दिए और साथ में मनपसंद कैंडीज भी। फिर उन्होंने मेयर के ऑफिस फोन किया और ये सारी बात बताई। दोस्तों, जब तक हम पता नहीं लगा लेते तब तक बच्चों को अकेले पार्क नहीं भेजना चाहिए। आराम से खेलो और अगर डर लगे तो चिल्ला देना, मैं यहीं पर हूँ। पास में ही खेलना ताकि मैं देखती रहूं। हम यहीं पर खेलेंगे और मजे से खेलेंगे। जब बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी कांप रहा था। चाचा, लगता है ये आदमी बहुत ज्यादा बीमार है।
देखो कैसे कांप रहा है। ठीक कहती हो, चलो तुम्हारी मॉम को बताते हैं। बच्चों ने भागकर चूचू की मॉम को बताया कि उन्होंने क्या देखा। बहुत अच्छे बच्चों, मैं अभी एक एम्बुलेंस को बुलाती हूँ ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाएं। फिर वो आदमी ठीक हो गया। मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? उसे उन बच्चों के बारे में बताया गया जिन्हें वह बीमार हालत में मिला था। इस आदमी को अपने किए पर पछतावा हुआ। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद आदमी सीधा पार्क पहुंचा। उसने दूर से देखा कि वो बच्चे खेल रहे थे। मैंने इन प्यारे बच्चों के साथ बहुत ही गलत किया, अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मैं इस डरावनी राक्षस की पेंटिंग पेड़ से हटा देता हूँ, जल्दी से। उस दिन के बाद से वो आदमी वहाँ बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखता था। वो उनका पूरा ध्यान रखता था और हमेशा उन पर नजर बनाए रखता था। स्कॉट्सडेल के एक प्यारे से डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा स्कूल था जिसका नाम था स्कॉट्सडेल जूनियर हाई। चीका, चीकू, चूचू, चाचा और कसली, जो कि सबसे अच्छे दोस्त थे, जाते थे इस स्कूल में। एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, आप में से जिनको अपने लिए छोटे मोटे स्नैक्स बनाने आते हैं, वो अपना हाथ उठाए। किसी भी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। ओह, कोई बात नहीं, हम लोग अभी करेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट। हम बनाने वाले हैं एक स्नैक कल के लिए। अपनी माँ से कहना कि वो आपको स्नैक्स बनाना सिखाएं, जो हमें चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे कल बनाएं अपने स्नैक्स खुद से। ये तो बहुत मजेदार होगा मिस डॉर्थी। तो आप में से कौन कौन लेकर आया है आज स्नैक्स? चीकू और चीका के अलावा बाकी सब ने हाथ उठाए। चीकू और चीका, तुम दोनों आज स्नैक्स लेकर क्यों नहीं आए? मेरी माँ आज घर पर नहीं थी मेरे लिए स्नैक्स बनाने के लिए मिस डॉर्थी। उन्हें हॉस्पिटल जाना था क्योंकि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, बुरा लगा तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में सुनकर। क्लास, तो कौन कौन बांटना चाहेगा अपना स्नैक चीकू और चीका के साथ? बहुत अच्छे, मुझे तुम पर नाज है बच्चों। सुनो, मैं तुम्हारे बैठने के तरीके को थोड़ा बदल रही हूँ। जरूर मिस डॉर्थी। चीकू, तुम आकर बैठ जाओ चाचा के साथ। चीका और कासली, तुम आकर बैठ जाओ चूचू के साथ। क्योंकि कसली ने अपना स्नैक चीका के साथ नहीं बांटा था, कसली को शर्म आ रही थी चूचू से स्नैक बांटने के लिए कहने में। लेकिन नर्म दिल और अच्छे स्वभाव की वजह से चूचू ने कसली को स्नैक के लिए पूछा, तुम्हें ये पसंद आएगा कसली, तुम मेरा स्नैक ट्राई करो। कसली को अपने किए पर शर्म आ रही थी, उसे बुरा लगा और उसने सब कुछ ठीक करने का फैसला किया।
स्कूल की घंटी बज गई और बच्चे अपने घर की तरफ चल दिए। तो प्यारे बच्चों, क्या तुमने सीख लिया कैसे बनाते हैं स्नैक्स? जी हाँ मिस डॉर्थी। तो क्या आप सब उन्हें टेबल पर रख सकते हैं प्लीज? सब बच्चों ने अपनी बनाई हुई चीज टेबल पर रख दी। कसली के टेबल पर 4 टिफिन बॉक्स थे। कसली, तुम अपने लिए 4 बॉक्सेस लेकर आए हो? नहीं मिस डॉर्थी, मैंने अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए ज्यादा बनाए। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तुम पर नाज है कसली। हम सबको है। टीचर बहुत ही खुश हुई और साथ ही पूरी क्लास भी।